नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है जयगांव टुडे में। इस वक्त हम आए हुए जयगांव के त्रिवेणी टोल में, जहां पे एक वाहन में ओवरलोड तरीके से पाइप ले जाने के कारण से आज बिजली के खंभे से उसका तार टूटकर नीचे गिर गया। इस वजह से लोग काफी ज्यादा नाराज दिखे। चलिए जानते हैं उनसे इस विषय के बारे में। यह घटना के बारे में जानकारी दिनु। विशेष यह घटना तो भइराको छ। यो बाटो चाहिँ अब तपाईको सानो छ कि बाटो, त्यही कारण ट्रान्सफरको गाडीहरू छ, 18 चक्के 22 चक्के गाडीहरू ठुल्ठुलो दिनदहाडे माल लिएर आइरहेको छ। टाइम टेबल भन्ने केही छैन। स्कुल टाइम छ, स्कुल यहाँ दुईवटा तिनवटा स्कुल छ, तपाईँको यो स्कुलको बाटो पनि हो। अब हामीले यस्तो लिखितहरू थानामा पनि बहुत ताल दिउँ कि हामीले टाइम टेबलको होस्, हामीलाई यो हेभी गाडीहरू बेलुका 8 बजीदेखि मात्रै पार होस्, बिहानको पालोमा नहोस्, बेलुकाको पालोमा नहोस्। एउटा हुन्छ टाइम हुन्छ, एउटा त्यो टाइम छैन। यहाँ त जति बेला पनि 18 चक्के 22 चक्के गाडी हिँडिएको छ। गाउँको मान्छेले भन्दा अब हामीसँग लफडा हुन्छ, झगडा हुन्छ, हामी त झगडा गर्न चाहँदैनौँ, किन झगडा गरेर त केही फल हुने कुरा छैन। विशेष हामी यही नै अनुरोध गर्छौँ पुलिस प्रशासनले, यो बाटोलाई चाहिँ एउटा समयको तोक दियोस् होइन, यो समयमा हेभी गाडी हिँडोस्, यो समयमा नहिँडोस्, त्यति मात्रै मेरो कुरा भन्नु छ। यो भुटान गाडी हजुर, हजुर अब गाडीले गर्नु पऱ्यो हजुर, होइन गाडीले गर्नु पऱ्यो, गाडीले चुडाएको, गाडीको लोड हेर्नुहोस् तपाईँले, गाडीको मालको लोडिङ हेर्नुहोस् कस्तो पाराले लगेछ। यस्तो पाराले त नेसनल हाइवेतिर पनि लानु दिँदैन, यस्तो त्यही हो हजुर। मान्छेको हानि त भएको छैन, तर अलिक रिक्स हुन्छ नि लाइनको तारमा चाहिँ होइन। नानी बालबच्चा कोही लेडिजहरू कोही मान्छे हिँडिहाल्यो भने, अलिक बिमारी लङ्गडेको यस्तोहरू हिँड्दाखेरि लागिहाल्यो भने अलिक रिक्स हुन्छ, त्यति मात्रै हो। अहिले हानि त भएको छैन। अब डर त हामीलाई यो गाडीहरू भाग्नु सक्छ नि त होइन, किन गाडी भुटानको गाडी हो, तपाईँको इन्डिया जहाँको पनि गाडी होस् होइन, किन अब यो गाडी चाहिँ अब तपाईँको उनीहरू डर हुन्छ नि त, डरले गर्दा चाहिँ उनीहरू भाग्दाखेरि चाहिँ बाई चान्स होइन एकदम कन्स्ट्रक्सन इलाका, यो सानो जग्गा छ, यसमा मान्छेहरू एक्सिडेन्ट हुने डर हुन्छ, यताउता हुने डर हुन्छ, त्यही कारणले त्यही एउटा डर हो। मेरो राजेश छेत्री हो, म यहीँ त्रिवेणी टोलको हुँ। भैया ये घटना के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ओवरलोड ट्रांसपोर्ट लोग आता है, ट्रांसपोर्ट का इधर में बड़ा बड़ा ट्रक लोग आता है, बच्चा लोग का घटना हो जाता है, बार बार बिजली का तार टूट जाता है, रास्ता का ऐसे ही प्रॉब्लम है, रास्ता भी नहीं बनता है, कितना आदमी कष्ट से चलता है, स्कूल का बच्चा लोग भी जाने में प्रॉब्लम होता है, जाम लगा हुआ रहता है, इसका कोई सुनवाई नहीं होता है। आज कोई आदमी मर जाता है, तार टूट गया है, यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, अगर टूट जाएगा तार कोई मर जाएगा इसका जिम्मा कौन लेगा। बड़ा बड़ा ओवरलोड ओवरलोड करके गाड़ी ले आता है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखता नहीं, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये घटना क्या पहला बार हो रहा है कि इससे पहले भी हुआ? पहले बहुत बार हो चुका है, कितना बार बोला गया है, इसका आगे भी मीडिया में बोला गया है, ये घटना को रोकने के लिए ओवरलोड मत ले आओ, नहीं तो आदमी साथ में लाओ, बांस लेके आओ, उसको ऊपर करो और साथ में गाड़ी निकालो, लेकिन कोई मालिक का सुनवाई नहीं है। उन लोग अपना अपना ट्रांसफर लोग बड़ा बड़ा खोल के रखा है, लेकिन सुनवाई कोई नहीं करता है। ये तार जब ये तार टूटा तो क्या इसमें बिजली चल रही थी? बहुत ज्यादा आवाज था बिजली का, ये बच्चा लोग वहाँ पे खेलता है, पानी नहीं पड़ रहा था, नहीं तो बच्चा लोग खेलता तो किसी को शॉर्ट भी हो सकता है। ये रोनिंग रास्ता है, दिन भर अप एंड डाउन होता है आदमी लोग का, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। ये दुर्घटना में किसी को कोई नुकसान हानि भी पहुंचे है? घर का हानि पहुंचा है, घर तक का तार टूट गया है, बाहर का तो बात छोड़िए, घर तक का बिजली का तार टूटा हुआ है। तो आप प्रशासन को कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? प्रशासन को अब देखना पड़ेगा, प्रशासन को हाथ में है ना, वो तो आके देखेंगे अपना जी क्या हो रहा है क्या नहीं, उन लोग को मना करना है, उन्हीं लोग का तो ऊपर जिम्मेवारी है ना। मैं ये घटना कहाँ पे हुआ है? त्रिवेणी टोल 3 नंबर। आपका नाम और परिचय? रामाशंकर सर। अब मात्र 4,999 रुपये डाउन पेमेंट देकर ले जा सकते हैं 2 पहिया बाइक। यह सुविधा हासीमारा बजाज शोरूम में उपलब्ध है। हमारा पता है न्यू हासीमारा थाना गली के पास। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 8918531091 या फिर 8918284870।